हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो बाय अपने मोबाइल फ़ोन से, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप किस तरह से जॉइन इंडियन आर्मी का जो फॉर्म है वो आप किस तरह से इस अपने फॉर्म को अपने मोबाइल से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी आपको यहाँ पर ओपन करना है। तो दोस्तों, यदि आप एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को लेकर इंटरेस्टेड हो और आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से सीधे ऑनलाइन कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको यहां पर आना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखेगा जो को दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको किस तरह से जांच करना है कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का आपको आपके यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें अपने डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है फीमेल। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर योग्यता अपनी अपेयरिंग है या भी पास है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपना यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पर अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी आपके सामने ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आपको शो हो जाएगा अप्लाई वाला सेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर शो होगी। तो आपके यहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का आपको यहाँ पर BA BTEC का आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो भी आपकी एलिजिबिलिटी आप इस तरह से इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से आप यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो आपको जो अप्लाई वाला सेशन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इस पर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो भी यहाँ पर यूजर नेम है आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, देन उसके बाद अपना जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है। यदि आपने पहले आवेदन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, यदि आपने पहले आवेदन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर रजिस्टरने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद आप पर यहाँ पर कंटिन्यू वाले सेशन पर ओके करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास आधार नंबर है, आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है उसका एनरोलमेंट नंबर है आप, तो यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद जो भी आपका कैंडिडेट नेम है आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद अपना फादर नेम एंटर करेंगे, देन उसके बाद अपना मदर नेम एंटर करेंगे, उसके बाद अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद ये आपको चेकबुक दिखाई दे रहा है, इसको आपको ओके करना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और फ्रेंड्स, इस तरह से आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का आता है। तो आपके तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको एक OTP किया है, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको फिल करना है, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर फ्रेंड्स किसी कंडीशन में आपके पास यदि OTP नहीं आया तो आप यहाँ पर अगेन जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी जो भी OTP है उसको आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर देखेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी कंडीशन है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका जेंडर आपका कौन सा आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपका कौन सा आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मेरिड अनमेरिड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने आधार कार्ड दिया है तो उसका यहाँ पर आपको नंबर एंटर करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एंटर करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको चूज़ करना है। आपका जो भी फेवरेट गेम हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा गेम है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, या उसके बाद आपका जो भी फेवरेट गेम है उसका यहाँ पर नाम एंटर करेंगे, नेम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल में आपकी टेंथ की मार्कशीट है, तो दोस्तों आपकी टेंथ की मार्कशीट है तो आपको यहाँ पर जिससे आपने अपने टेंथ को पास आउट किया रखा है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने जिस स्टेट से आपने टेंथ को पास किया है उसका यहाँ पर स्टेट नेम आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो भी मैट्रिक आपका जो भी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपना नंबर एंटर करने के बाद जो भी आपका मेट्रिकुलेशन आपकी टेंथ की मार्कशीट है उसकी यहाँ पर आपको जब यहाँ पर आपको PDF फाइल आपको अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो 200 KB के बीच में आपके फोटो का साइज़ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी जो भी मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट है आप उसको अपलोड कर लेंगे। और देन उसके बाद आपकी आती है यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप इसे डेट ऑफ एनरोलमेंट यदि आप देना चाहते हो आप इसको दे सकते हो, नहीं आप इसको इसे छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका यूजर नेम आप यहाँ पर देखेंगे, देन उसके बाद आपका पासवर्ड है, तो आपको पासवर्ड किस तरह से आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पासवर्ड में यहाँ पर 8 करेक्टर होनी ज़रूरी है, जिसमें आपको किस तरह से पासवर्ड जनरेट करना है तो आपके पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, 1 लेटर और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। तो आप इस तरह से अपने पासवर्ड को जनरेट करेंगे और उसके बाद में जो भी आपका यहाँ पर पासवर्ड है उसको यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आपको वेरीफाई करना, तो इसको आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप फ्रेंड्स इस तरह से आपके सामने ऑप्शन होगा, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर चेक करेंगे उसके बाद में आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा आपके यहां पर कोर्स कौन सा ये देखने को मिलेगा, आपकी एज यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी क्वालिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हो। अब उसके बाद आपके सामने यहां पर अप्लाई वाले सेशन, आप इस वाले सेशन पर ओके करेंगे। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपके सामने इस तरह का इंटरेक्शन आएगा, आपको इसको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब इस तरह से आपके सामने जो भी डिटेल है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई यहाँ से आपकी ओपन होगी, जिसमें आपकी जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दी है आपको यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर आती है आपकी नेशनलिटी, दोस्तों यहाँ पर अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है इंडियन आपको। अब उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी, तो आपकी फ़ोटो साइज यहाँ से आपकी 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और साथ ही आपका सिग्नेचर यहाँ से 20 से 10 KB के बीच आपका होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको चूज़ फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर आप टैप करेंगे और अपना जो भी फोटो और सिग्नेचर है उसको आप अपलोड करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस तरह से आपके सामने परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी जो भी कंप्लीट डिटेल है आपके एड्रेस की आप यहां पर एंटर करेंगे। अब फ्रेंड्स यहां पर आप एंटर करेंगे, उसके बाद में आपका आता है सिटी टाउन विलेज, तो आपका जो भी सिटी या टाउन विलेज है आप उसका नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरस्पॉन्ड एड्रेस है आप इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी बाद आप यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपका लोडिंग लेगा। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपके सामने दूसरी स्टेप एजुकेशन डिटेल क्या थी, जिसमें आपकी एजुकेशन आपको एंटर करनी होगी। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आपके जो भी स्कूल टाइप है आप यहाँ पर अपनी जो भी स्कूल की टाइप है आप यहाँ पर टाइप करेंगे, तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपने आर्मी स्कूल में यदि आपने 10th क्लास पास आउट की है उसके आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हो, नहीं आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो भी 12th है उसकी यहाँ पर आपको उसका आपको रोल नंबर एंटर करना होगा, अदर स्कूल है आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसका नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है आप यहाँ पर इसे नो करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी जो भी 12th की मार्कशीट है उसका यहाँ पर आपको उसके मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आपकी मेन इंजीनियरिंग है, तो आपकी इंजीनियरिंग आपने कौन सी स्ट्रीम से पास की है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको इंजीनियरिंग कोर्स में भर्ती होने की तिथि यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग जो भी आपने क्वालिफिकेशन आपने ऐड की है तो आपको उसकी यहाँ पर डेट एंटर करनी होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपका नेम कॉलेज आपका जो भी कॉलेज का नेम है आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, एंटर करना है आपको। उसके बाद आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपका यूनिवर्सिटी कौन सा आप यहाँ पर उसका नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है प्राइवेट है स्टेट है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आता है आपका गेट स्कोर, तो यदि आप देना चाहते हो दे सकते हो। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपने टाइप की है आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका यहाँ पर सेमेस्टर है या ईयर है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स का आपका कितना आया है आप यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपने कितना मार्क्स यहाँ पर आपने स्कोर किया है उसका यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड जो भी आपका सेमेस्टर है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो भी यहाँ पर परसेंटेज होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आपकी जो भी डिटेल है आपके यहाँ पर SSB डिटेल किया जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी SSB डिटेल आपको चेक करनी है। तो आप यहाँ पर SSB डिटेल का आपको विवरण देना है, तो यहाँ पर यस रहने देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंट्री सिलेक्ट करनी है, तो आपको जो भी 16 एंट्री है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप किसको यहाँ पर आप देना चाहते हो प्रेफरेंस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, आप कहाँ पर इसको लेना चाहते हो, इलाहाबाद जो भी आपका लोकेशन हो आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर मंथ आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपका रिजल्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऐड वाला सेशन दिखाई दे रहा है, आप इसको ऐड करेंगे। और देन उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपके सामने जो भी आपने डिटेल दी है आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है आप अच्छे से उसको रीड करेंगे। उसके बाद आपको ये चेकबुक दिखाई दे रहा है, इसको आपको टिक करना है। तो फ्रेंड्स आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबमिट करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर श्योर होकर ओके करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है सबमिट। अब आप अपना जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। अब फ्रेंड्स यदि आप इसको एडिट करना चाहते हो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना जो भी कंडीशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी PDF फाइल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर अपनी जो भी प्रिंटआउट है वो आप यहाँ पर निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन जो क्लोज डेट है यहाँ पर आप देख सकते हो 15 सितंबर 2021 3 PM। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो 30 आपका जो रोल नंबर है वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 30 मिनट के बाद जो है इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, इसकी लास्ट डेट से पहले आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब तक आप ये आपका और आपका रोल नंबर शो नहीं होता, जब तक सो नहीं होगा जब तक फ्रेंड्स आप यहां पर एडिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर फिर से आप एडिट कर सकते हो, कोई भी यहां पर चेंजेस कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आपको यहां पर क्या करना है, आपको एडिट या कैंसिल आप करना चाहते हो आप यहां पर कर सकते हो। तब तक के लिए आपको यहां पर प्रिंट आउट के लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपना प्रिंट आउट यहां पर निकालेंगे। इसी वेबसाइट पर आने के बाद आपको फिर से लॉग इन करना है, उसके बाद आप इस प्रिंट आउट को निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमने बात की कि आप किस तरह से जॉइन इंडियन आर्मी का फॉर्म किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हो, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात की। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।